Hi everyone, welcome to Async Apps, and this is your host Naureen Prajapati. And in order to 30 to 30 project, this is our 10th project, means 10th day. तो पिछले प्रोजेक्ट्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है. एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बजे, जैसे कि फाइल अपलोड कैसे करते हैं, फाइल्स का यूज करके कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए, तो उस पे ये हमारा आने वाले दो प्रोजेक्ट्स होंगे बेसिकली, ये एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो 11वां डे होगा, वो मतलब 11th वाला डे का जो प्रोजेक्ट होगा वो. तो फाइल अपलोड कैसे करते हैं हम लोग? फाइल अपलोड बेसिकली हम लोग करते हैं एक मल्टर करके अपनी वो आता है, क्या कहते हैं, हाँ पैकेज आता है अपना मल्टर. इस मल्टर पैकेज का यूज करके हम लोग अपना फाइल अपलोड का चीजें परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो मल्टर क्या करता है बेसिकली? मल्टर जो है वो आपके सिस्टम से जहाँ पे भी हमारी मतलब वो एपीआई हिट हो रही है, उसको एक प्लगइन देता है कि आप एक फाइल अपलोड कर सकें, ठीक है. तो इसके जैसे इसमें इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं हम लोग. क्या क्या इधर इधर है? हाँ, तो इधर आप देख रहे हैं पहले इंस्टॉलेशन कैसे है. इंस्टॉलेशन से npm install से मल्टर करके ऐसे, फिर अच्छा मैं इसको रन ही कर लेता हूँ. सेव करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी अगर यूज़ कर लें. न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड लेट्स पेस्ट इट एंड सेव हटा देते हैं हम लोग, इसकी ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है. तो वंस ये डाउनलोड हो जाए तब तक हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, फिर से देखते हैं क्या क्या इधर है. एंड इधर ये बटन्स है फाइल अपलोड करने के लिए, इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग तो सारी चीज़ें एपीआई में करेंगे अपने. तो मल्टर एक्सप्रेस के साथ यूज़ होता है, तो इसमें आप इसके कई ऑप्शंस होते हैं. आप सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हैं, अपलोड डॉट सिंगल करके, एंड आप मतलब एरे मीन्स मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं इसका यूज़ करके. एंड ये सारी चीज़ें मतलब ये जो है उसको डिफाइन किया हुआ अपना. एंड इसके बाद क्या है मल्टर का यूज़ कैसे? मल्टर मल्टर बेसिकली यूज़ होता है एक मिडिल वेयर की तरह, हम एक मिडिल वेयर बनाते हैं उधर हम लोग मल्टर को यूज़ करते हैं. तो मल्टर में फाइल सेव करने के भी कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं. जैसे इधर है तो इधर डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, एंड एज वेल एज हम मेमोरी में मेमोरी स्टोरेज का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बफर में जाता है. मतलब बफर में चीज़ें जाती है, सेव नहीं होती, बस केवल बफर में मतलब बफर जोन में रह जाती है, ठीक है. तो अभी इस वीडियो में इसका यूज़ करेंगे डिस्क स्टोरेज का. तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज़ करके कुछ अलग चीज़ बनाएंगे. वो चीज़ अभी आपको क्लू नहीं दूंगा कि क्या आप लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट अपने 11th वाले डे में. तो वो भी बेसिकली अपना फाइल अपलोड पर ही रहेगा, ठीक है. तो और भी कुछ कुछ किए हैं, फाइल फिल्टर, लिमिट्स, और फिर पाथ वगैरह सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं. एंड ओके, तो ये क्या है डिस्क स्टोरेज कैसे यूज़ करना है? तो ये डिस्क स्टोरेज है, अभी हम इसी का यूज़ करके अपना जो है वो करने वाले हैं. तो इसमें क्या है, ये क्या करता है, डिस्क स्टोरेज यूज़ करता है, और उसमें सी वी मीन्स कॉल बैक फंक्शन होता है. कॉल बैक पे इधर ये तो नल दिया है, इधर आप एरर हैंडलिंग लगा सकते हैं. और ये पाथ है, इसमें दो चीज़ होती है बेसिकली, एक तो होता है डेस्टिनेशन और एक होता है फाइल नेम. फाइल नेम क्या करता है, फाइल नेम आपका जो आप फाइल अपलोड कर उसका रीनेमिंग करता है, या रीनेमिंग कर सकते हैं या फिर रीनेमिंग नहीं भी कर सकते हैं आपकी इच्छा. एंड ये वाला डेस्टिनेशन क्या करता है कि कहाँ पे आपको अपनी उस फाइल को स्टोर करना है, तो ये चीज़ वो बताता है. दोनों कॉल बैक फंक्शन होते हैं, ठीक है. एंड फिर आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, एंड बस यही है बेसिकली. एंड अब क्या करते हैं हम लोग अपने कोड वाले पार्ट पे चलते हैं, एंड उधर हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है. VS कोड में चलते हैं बेसिकली, ठीक है. तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं अपने इधर मल्टर को, जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया है. तो इधर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मल्टर. ओके,
सो ये हो गया अपना मल्टर इंपोर्ट। अब क्या करना है, अब हमको अपने स्टोरेज को डिफाइन करना है, ठीक है। तो स्टोरेज को डिफाइन करने के लिए मैं उधर से ही कोड उठा लेता हूँ, अपना जो उधर दिया था, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो कोड ये रहा, ठीक है। तो अब इस कोड के बारे में मैं कुछ आपको बता दूँ। ओके, तो अभी मुझे एक और चीज़ इंपोर्ट करनी होगी, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम, ये क्या करेगा, हमारा पाथ बताएगा कि किधर से हमारी जो फाइल है वो आ रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ, जो उधर अभी समझा रहा था, इधर आपको समझाता हूँ क्या है। इधर हम लोग कॉन्स्ट स्टोरेज इज इक्वल टू मल्टर डिस्क स्टोरेज, ठीक है। और इधर दो कॉल बैक फंक्शन, मतलब दो दो प्रॉपर्टी है इसकी। एक तो डिस्टिनेशन, डिस्टिनेशन क्या है कि फाइल जो है वो उधर से आने के बाद, मतलब जो यहाँ से हम लोग फाइल ले रहे हैं उधर से आने के बाद ये किधर जाएगी, इसकी डिस्टिनेशन क्या होगा, हम अपने सर्वर साइड में इधर किसको किधर स्टोर करेंगे इसको। तो हम स्टोर करेंगे इसको अपलोड्स नाम के एक फोल्डर में। तो इसको हम लोग अपने फोल्डर में पहले बनाते हैं अपने फाइल इधर अपलोड्स, ठीक है। तो इसी फोल्डर में हमारे जितने भी फाइल्स होंगे वो जाके अपलोड होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइल नेम, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है, मतलब अपना डिस्टिनेशन बता रहा है कि फाइल यूजर से लेने के बाद किधर हमको अपलोड करनी है। और ये जो नल है ना, बेसिकली ये नल नहीं है, ये एक एरर हैंडलिंग के लिए, जैसे अगर आप इस पे हॉवर करेंगे सीवी पे कॉल बैक पे, तो इधर आपको देखिए दो चीज मिल रहा है, इधर एक एरर मिल रहा है, इसको आप नल भी कर सकते हैं, और फिर एक इधर डेस्टिनेशन मिल रहा है, ये डेस्टिनेशन का पाथ इधर सेट करना है, पाथ सेट करना है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो अपलोड्स अपलोड्स यहाँ पे हमने अभी बना दिया ये चीज। और फिर ये फाइल नेम में क्या है, फाइल नेम में भी हमारा क्या कहते हैं सीवी आता है, एंड इधर भी वही एरर, सेम चीज, एरर एरर अभी हम नल दे रहे हैं, कोई हमको एरर वैसे हैंडल नहीं करना, कुछ हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते इसको। और फिर ये फाइल नेम कैसे है, तो फाइल फील्ड नेम, और फिर उसके बाद डेट एंड टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं नाउ, मतलब ये एक ना डेट एंड टाइम का यूज करके हम फाइल का नेम डेट एंड टाइम लगा दे रहे हैं, तो यूनिक हो जाएगा हमारे फाइल नेम, मतलब कोई अगर यूजर एक फाइल अपलोड किया एंड फिर दोबारा सेम फाइल दोबारा अपलोड कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उसका नेम जो है अलग हो गया, डेट एंड टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, एंड फिर उसका पाथ ले लेंगे और ओरिजिनल जो फाइल नेम है वो ले लेंगे, ठीक है। ये पाथ से आया, पाथ किधर है, पाथ हमने ये इम्पोर्ट किया, ठीक है। और फिर ये इधर अपना एक बना देंगे अपलोड इज इक्वल टू मल्टर, और इसके स्टोरेज में हम लोग इस वाले स्टोरेज को डाल देंगे, ठीक है। अभी इस वाले स्टोरेज को डाल देंगे, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जब करेंगे तो उसमें आपको एक अलग तरीके से भी स्टोरेज को यूज करते हुए मैं बताऊंगा, तो आप मतलब समझ पाएंगे ज्यादा मल्टर को कि कैसे मल्टर काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अभी हमको क्या करना है, अभी हम एक अपना पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट इधर बनाती है, ये रहा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, ये क्या कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट में ये इसका एंड पॉइंट है अपलोड, अपलोड पे जाएंगे एंड फिर ये कॉल कर रहा है अपने एक मिडिलवेयर का, मिडिलवेयर कहाँ से आ रहा है, ये अपलोड जो है ये मिडिलवेयर है, एंड इधर हम लोग यूज कर रहे हैं सिंगल, सिंगल मीन्स क्या है कि ये सिंगल सिंगल केवल एक ही फाइल को इधर मतलब हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। एंड फिर अगर सब कुछ सही रहा, इधर से ये चीज सही निकल गई, तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको कह देंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक। तो बेसिकली ये इतना छोटा सा कोड है फाइल अपलोड अपलोड करने के लिए, हमने इधर ये फोल्डर बना दिया है एंड सब कुछ फिनिश है हमारा, एंड अब इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा कैसा चलता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नोड, इसका क्या नाम है, नोड इंडेक्स डॉट एन जी एस, इंडेक्स डॉट एन जी एस, एंड ठीक है इसको रन करते हैं हम लोग, एंड तो ये हमारा कोड जो है वो रनिंग हो रहा है हमारे 3000 पोर्ट पर,
जैसे घर में हमने लिसनिंग लगा रखी है कि हम जो एक्सप्रेस का ये सर्वर क्रिएट करने का मैंने आपको नहीं दिखाया, वो मैं डायरेक्टली क्रिएट कर लिया था, मतलब ऐसे पहले से क्रिएट करके रखा था, ठीक है। तो बेसिकली पिछले 8-9 वीडियो में आप लोग तो देख ही चुके होंगे कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, एंड फिर अभी हम लोग क्या चलते हैं इधर अपने थंडर क्लाइंट में चलते हैं, और आई थिंक ये वाला मैंने पहले से ही कर रखा है ये चीज़, ठीक है। इसको अभी हटाते फिर से करते हैं, ये राउट है, ओके ठीक है। इस राउट पे हमको जाना है, मतलब अपने 3000 वाले 3000 जो पोर्ट नंबर है उस पे, और उसका जो एंड पॉइंट है हमारा अपलोड है, ठीक है। और फिर हमको अपनी फाइल को अपलोड करना है, तो फाइल अपलोड कैसे करते हैं, तो बेसिकली आप इधर आएंगे फ्रॉम में, या फिर ऐसे क्वेरी वगैरह इधर से आएगी तो उसको हटा के आप, मतलब इधर क्वेरी सेलेक्टेड रहता है जब भी आप ऐसे, मतलब कोई नया सा वो जब क्रिएट करते हैं इधर, तो इधर एक क्वेरी सेलेक्टेड रहता है, क्वेरी से आप आएंगे इधर बॉडी में, आएंगे आप फ्रॉम में, जेसन डाटा आपको नहीं भेजना है, आपको भेजना है फाइल भेजना है, तो आप इधर फ्रॉम में आएंगे, एंड फिर इसको भी मैं, हाँ ठीक है। तो और फिर इधर ये फाइल अनसेलेक्टेड रहेगा, तो इधर आपको फाइल सेलेक्ट कर लेना है, और फिर इधर आपकी फाइल का फील्ड नेम दे देना है। फील्ड नेम हमारे फाइल का क्या नाम क्या होने वाला है, ये फाइल ही मैंने रख दी है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको फील्ड नेम दे देंगे फाइल, और फिर ये हमको एक बटन दे देगा चूज फाइल करके, ठीक है। तो इधर से अपनी फाइल को चूज करेंगे, ओके। तो मैं डाउनलोड में जाता हूँ, एंड ये मैं अपना थंबनेल जो है एक चूज कर लेता हूँ, ठीक है, एंड ओपन करते हैं। ये हो गया हमारा, एक फाइल चूज हो गया, और फिर इसको मैं जैसे ही सेंड करूंगा तो हमारा फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारी फाइल इधर हमारे फोल्डर में आई भी या नहीं, इस वाले अपलोड फोल्डर्स में। तो अपलोड्स में इधर देखें, हमको ये हमारा जो हमारे प्रीवियस वीडियो का थंबनेल है वो मिल गया। तो ये देखिए इस तरह से फाइल अपलोड पूरी तरीके से काम करता है। तो ये एक ट्यूटोरियल था, ओके। तो एक और फाइल हम लोग इधर से अपलोड करते, देखते हैं कि कोई और फाइल आते है कि नहीं। तो इधर आते हैं, एंड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड सेंड करते हैं, ठीक है, फाइल अपलोड, एंड इधर हमारी दूसरी फाइल आ गई, ठीक है, ओके। तो ये वाला, हाँ ये वाला है, ठीक है। ये हमारे सातवें डे जो 7th डे का प्रोजेक्ट था, AWS डायनो डीबी विथ नोड जेएस, जिसका मतलब जो हमको हमारे क्या कहते हैं इसको थंबनेल मिल गया। और इधर जो है ये हमारा 9वें डे का 9th डे का हमारा थंबनेल इधर आ गया, ठीक है, हमने यही सेलेक्ट किया था उधर से। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, एंड जिसमें आप सीखे होंगे कि कैसे हम लोग फाइल अपलोड को हैंडल करते हैं अपने नोड जेएस में। अभी नेक्स्ट डे में मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा, एंड तब तक के लिए इस पे आप प्रैक्टिस करिए, एंड अपने से कुछ रिसर्च करिए, या फिर कुछ अपने से तोड़ जोड़ के कुछ बनाइए करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय।